अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं दो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आलू बुखारा की चटनी हम बनाएंगे। आलू बुखारा को अच्छे से धो के छन्नी में रख दें ताकि अच्छे से इसका पानी निकल जाए। इसके लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून वेनेगर, 1/4 टीस्पून किमन पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 200 ग्राम ड्राई प्लम, 1 कप शुगर। सबसे पहले हम एक पैन में ड्राई प्लम, 4 से 5 कप पानी, कश्मीरी लाल मिर्च, क्यूमन पाउडर डाल के 15 मिनट पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें 1 कप चीनी डाल के इसको हम स्लो हीट में इतना पकाएंगे कि ये जो हमारे ड्राई प्लम है ये अच्छे से गल जाए। उसके बाद हम इसमें जब इसका पानी कम हो जाएगा तो हम इसमें आखिर में 1 से 2 टेबलस्पून वेनेगर डाल के एक दफ़ा अच्छे से हम इसे बॉईल कर लेंगे। आप इसे फ्रिज में किसी बॉटल में रख के आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये यमी से हमारे आलू बुखारा की चटनी रेडी हो गई है। मैंने इसमें कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया है। आप लोग भी ये रेसिपी बनाएगा आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और अब मैं सेकंड रेसिपी शेयर कर रही हूँ मीठे समोसे की। इसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो ये हैं। मेरे पास है 2 कप मैदा, 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 3/4 कप शुगर, 4 ग्रीन कार्डमम, उसको मैंने पाउडर बना लिया है, 2 पिंच सॉल्ट, 2 पिंच बेकिंग पाउडर, 3 टेबलस्पून बटर एंड 1/4 कप चॉप आलमंड, ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी, और 1 कप खोया। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में खोया लेंगे, कोकोनट, शुगर, चॉप आलमंड, ग्रीन कार्डमम पाउडर, और मैं इसके अलावा इसमें 4 टेबलस्पून कॉन्डेंस मिल्क डालूंगी। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करूंगी तो ये जो बहुत ड्राई हो रहा है तो वो बहुत अच्छा सा फिलिंग रेडी हो जाएगी। इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कीजिएगा। और मैदा की डो बनाएंगे हम। मैदे में हम सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, मक्खन डाल के हम इससे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो बनाएंगे। डो जो है हमारा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। इसको हम 30 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको रोल करके कटर से, मैं इसको सर्कल शेप दे रही हूँ, ये देखें ये इतना पतला है। अब वो जो हमने खोया बनाया था उसकी फिलिंग हम एक छोटा से बॉल बना के एक साइड पर रखेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। और ये पानी मैं एक साइड पर लगा रही हूँ ताकि ये खुले नहीं। इसको हम स्टिक करेंगे और फोक से ऊपर से हम इसको प्रेस करेंगे ताकि ये खुले ना। और एक और शेप मैं बता रही हूँ। इसी तरह खोए की फिलिंग रख के पानी लगा के हमने पहले सील किया है। उसके बाद हम इसको एक साइड से राइट से लेफ्ट फोल्ड करते हुए जा रहे हैं। एंड तक हम करेंगे ताकि इसके एजेस ना खुले। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। आप इसे बना के आराम से फ्रीजर में रख सकते हैं। जब आपको फ्राई करना हो आप इसे फ्राई कर लें। अब मैं इसको मीडियम हीट पे दोनों साइड फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा तेज़ हीट पे हमें फ्राई नहीं करना है। ये हमारे यमी से पीठे समोसे रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की दोनों रेसिपीज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग भी इसे ट्राई करेगा। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ जल्दी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।